और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक कर रहे हैं। बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर युवक के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है और विस्फोटक बेलमैक सुपर पावर सहित 8 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। नेपाल का पनका निवासी हरिबहादुर रावत एसएसबी की हिरासत में है और विस्फोटक सामग्री को लेकर संदिग्ध युवक से पूछताछ की जा रही है। भारत नेपाल सीमा रुपई डीहा का ये पूरा मामला है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है बहराइच से। भारत नेपाल सीमा पर युवक के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है और अब ये जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मकसद क्या था। विस्फोटक बेलमैक सुपर पावर सहित 8 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। नेपाल के पनका निवासी हरिबहादुर रावत एसएसबी की हिरासत में है। तो नेपाल का रहने वाला है ये व्यक्ति, जिसका नाम हरिबहादुर है, नेपाल के पनका का रहने वाला है। एसएसबी अब इसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। विस्फोटक सामग्री को लेकर संदिग्ध युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये इसे लेकर कहां जा रहा था, इसका मकसद क्या था, क्या इस विस्फोटक का इस्तेमाल होना था। भारत नेपाल सीमा रुपई डीहा पर यह गिरफ्तारी हुई है और ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर एक युवक को विस्फोटक के साथ पकड़ा गया है। विस्फोटक बेलमैक सुपर पावर सहित 8 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। नेपाल का रहने वाला है हरिबहादुर रावत, नेपाल के पनका का निवासी है, जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुए हैं। हरिबहादुर रावत इसका नाम है और एसएसबी ने इसको हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा के रुपई डीहा का यह मामला है। तो बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर सशस्त्र सीमा बल ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से विस्फोटक सामग्री मिली है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और शाइस्ता परवीन के वकील अपनी दलील पेश करेंगे। उमेश हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम है। तो शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में। शाइस्ता परवीन की वकील पेश करेंगे अपनी दलील। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है, फरार है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम है और अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होगी। तो कोर्ट से राहत मिलती या नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन शाइस्ता परवीन के मामले में आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है अग्रिम जमानत को लेकर, और शाइस्ता परवीन के जो वकील है वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। इन सबके बीच शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और अवैध निर्माण पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। आवास विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज और वाराणसी के बाद गोरखपुर अवैध निर्माण के मामले में यूपी में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 अवैध निर्माण गोरखपुर में है। इनमें आम नागरिकों के निर्माण को छोड़कर भूमाफिया के द्वारा निर्माण किए गए अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर बाबा का कभी भी गरज सकता है। गोरखपुर में विकास विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर में 25,000 अवैध निर्माण है। हैरानी की बात यह है कि प्रयागराज और वाराणसी के बाद अवैध निर्माण के मामले में गोरखपुर यूपी के टॉप 15 शहरों में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में योगी सरकार की नजर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया पर तिरछी हो गई। पच्चीस हजार के आसपास के हमारे ऐसे नोटिसेज हैं जो ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए पड़े हैं, लेकिन उनमें ध्वस्तीकरण विभिन्न कारणों से नहीं किए गए हैं। उसमें एक विनिमितीकरण का बहुत बड़ा एक मैटर था गोरखपुर के लिए, तो उसकी वजह से ना तो वहाँ पे नक्शे पास हो पा रहे थे और ना ही वहाँ पे कोई ध्वस्तीकरण हम लोग कर पा रहे थे। जैसा मैंने बताया कि लगभग 25,000 के आसपास जो है ध्वस्तीकरण के आदेश अभी तक कंपाइल हो पाए हैं और भी अभी प्रक्रिया जारी है, तो जैसे ही फाइनल होगा तो हम एक रियल फिगर जो है स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद डिक्लेयर कर देंगे। यूपी में अवैध आवासों के मामले में गोरखपुर को तीसरा स्थान मिला है और बता दें कि 23,000 से 25,000 के करीब ऐसे मकान गोरखपुर में बने हुए हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। उनका मानचित्र नहीं पास किया गया और इसके साथ ही तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा किए बगैर ही इन मकानों को अवैध तरीके से निर्माण कराया गया, और यही वजह है कि योगी सरकार इन सभी अवैध निर्माणों को लेकर पूरी तरह से सख्त है। हालांकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण महायोजना 2031 को देखते हुए ऐसे लोग जो सामान्य रूप से रह रहे हैं और गोरखपुर के वासी हैं उनको इसमें सुविधा देने जा रही है और इस सुविधा का लाभ उन्हें मिलेगा, चूँकि उनके पास एक मौका है कि इन अवैध निर्माणों को वो
मानचित्र और तमाम जो कागजात हैं जिन जो पूरे नहीं हैं उनको सही कराकर इन मकानों को वो वैध कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही जिन कॉलोनाइजर्स और प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर लिया है उनके ऊपर जो बुलडोजर का हंटर है वो निश्चित तौर पर चलेगा, चूँकि योगी सरकार अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जा करके, सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके, निजी लोगों की ज़मीनों को कब्जा कर कर जिन लोगों ने कॉलोनियों का निर्माण किया है उनके खिलाफ काफ़ी सख्त है। और यही वजह है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। बात करते हैं मेरठ की, यहाँ पर हाजी याकूब की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। याकूब कुरैसी की संपत्ति को प्रशासन ने चिन्हित किया है। 32 वाहन और 7 आलीशान भवन कुर्क होंगे। डीएम ने सभी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अवैध कामों से याकूब ने संपत्तियां अर्जित की और अब इस पर कार्रवाई बड़ी होने जा रही है। हाजी याकूब की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। याकूब कुरैशी की संपत्ति को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। 32 वाहन और 7 आलीशान भवन कुर्क होंगे। डीएम ने सभी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अवैध कामों से याकूब ने संपत्तियां अर्जित की हैं। बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर हाजी याकूब की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। याकूब कुरैसी के संपत्ति को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और 32 वाहन और 7 आलीशान भवन कुर्क होंगे। डीएम ने सभी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अवैध काम से याकूब ने संपत्ति अर्जित की है। तो याकूब कुरैसी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अवैध कमाई से जो संपत्ति बनी है अब उस पर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है, रामपुर पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, बच्चों की परीक्षा के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। आजम खान का जौहर ट्रस्ट रामपुर पब्लिक स्कूल चलाता है और इसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और बच्चों की परीक्षा के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आजम खान का जौहर ट्रस्ट रामपुर पब्लिक स्कूल चलाता है। तो रामपुर पब्लिक स्कूल को लेकर मामला अब कोर्ट पहुंचा है। वहीं नोएडा के चक्रव्यू रेस्टोरेंट पर एक्साइज विभाग का छापा पड़ा है। बिना लाइसेंस शराब परोसने के कारण कार्रवाई की गई है। मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अवैध शराब जब्त हुई है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। तो चक्रव्यू रेस्टोरेंट पर एक्साइज विभाग का चक्रव्यू आ गया। बिना लाइसेंस शराब परोसने के कारण यह कार्रवाई हुई है। मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध शराब जब्त की गई। वहीं अतीक के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया है। बरेली में अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया। समाजवादी पार्टी का नेता है लल्ला गद्दी। लल्ला गद्दी पर बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात का आरोप लगा। लल्ला गद्दी पर बरेली के बिथरी और बारातरी में केस दर्ज है। बुलडोजर कार्रवाई के डर से लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया। तो देखिए, पूरा मामला यह है कि अतीक के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया है। बरेली में अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया। समाजवादी पार्टी का ये नेता है। लल्ला गद्दी पर बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात का आरोप है। लल्ला गद्दी पर बरेली के बिथरी और बरादरी में दर्ज है केस। बुलडोजर कार्रवाई के डर से लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया है। अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे का सरेंडर हुआ है। बरेली में अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया। अवैध तरीके से मिलने का आरोप था अशरफ से और समाजवादी पार्टी का नेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।